में लब खोलेगा कौन, जुल्म के इस साए में लब खोलेगा कौन, अगर हम भी चुप रहे तब बोलेगा कौन। तुम करो गुलामी कांग्रेस में, हम भीम सेना में राज करें, और तुम तलवे चाट के बैठे हो और हम सरेआम सिर पर जूता कांड करें। भाई साहब मन में कोई कांड को नहीं करा, तोड़ मोड़ मरोड़ के वीडियो पेश करी गई है, और मैं कोई सावरकर थोड़ी ना हूं जो माफी मांग लूंगा। अपने बहुजन समाज के लिए लड़ता हूं, लड़ता रहूंगा। क्रांतिकारी जय भीम जय भारत, नीला सलाम जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद। जुल्म के इस साय में लब खोलेगा कौन, जुल्म के इस साय में लब खोलेगा कौन, अगर हम भी चुप रहे तब बोलेगा कौन। जी हां, भीम सेना चीफ नवाब सतपाल तंवर बोल रहे हैं, और जितने साथी आज इस लाइव वीडियो को देखेंगे सुनेंगे, उनमें उनके मन में एक क्वेश्चन मार्क सवाल मैं जरूर लगाऊंगा। पूरे राजस्थान प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का राज है, यह सबको मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है, और एक और कड़वा सच पूरे देश भर का यह है, आंकड़े उठा करके देख लो, इतिहास उठा के देख लो। अरे मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रहे, सरकारी आंकड़े उठा करके देख लीजिए। अगर पूरे देश भर में महिलाओं के ऊपर, दलितों के ऊपर अगर शोषण सबसे ज्यादा अगर होता है तो वो है राजस्थान प्रदेश। अब आप मुझे बताएं, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाकर श्रीमान अशोक गहलोत जी दलितों बहुजन समाज के लोगों की वाहवाही लूटने का काम करते हैं, लेकिन सच तो यह है कि अशोक गहलोत जी दो धारी तलवार से खेल रहे हैं। एक तरफ वो दलितों को खुश करते हैं और दूसरी तरफ वो दलितों का शोषण करवाते हैं। कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर, अरे भूल गए क्या बाबा साहब के उन लवों को, जब बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा था कि कांग्रेस का दो पैसे का सदस्य भी मत बनना। अरे भूल गए क्या बाबा साहब अंबेडकर के संसद में घुसने के रास्ते अगर किसी ने बंद किए तो वो कांग्रेस पार्टी थी। अरे भूल गए क्या, कांग्रेस पार्टी का इतिहास उठा करके देखो। और मैं तो कहता हूं नागनाथ और सांपनाथ, खुद मान्यवर साहब कांशीराम जी ने कहा है, मैं नहीं कह रहा, छोड़ दीजिए मेरी बातों को, मान्यवर साहब कांशीराम जी की सारी स्पीच उठा करके देखो, उन्होंने कहा है बीजेपी नागनाथ है तो कांग्रेस सांपनाथ है। और मैं तो ये कहता हूं नागनाथ और सांपनाथ जिसके गले में पड़े हैं ना, वो है भोलेनाथ। इसका मतलब आरएसएस, धर्म पे मत लेके जाना, आस्था पे मत लेके जाना, जिसके गले में पड़े हैं आरएसएस के गले में ये सांपनाथ और नागनाथ पड़े हैं। मेरे ऊपर बाड़मेर में एफआईआर दर्ज की गई है, मैंने कांग्रेस सरकार को दलितों के ऊपर हो रहे शोषण का जिम्मेदार ठहराया था, मैंने जिम्मेदार ठहराया था अशोक गहलोत मुख्यमंत्री को, प्रियंका गांधी को, जो ये कहती है लड़की हूं लड़ सकती हूं, लेकिन राजस्थान में रोजाना रेत के टीलों के पीछे रेप होते हैं। जवाब है प्रियंका गांधी जी आपके पास, है जवाब? अरे सब लोग, सच्चाई तो यह है, सब लोग अपने अपने आका बना करके बैठे हैं, अपने अपने आका बनाकर बैठे हैं सब लोग, सब लोग अपने नेता चुन करके बैठे हुए हैं, लेकिन सच्चा दलित बोलेगा। बहुत सारे लोग कह सकते हैं इस बात को, सतपाल तंवर जी कांग्रेस पर सवाल क्यों उठा रहा, अरे क्यों ना उठाए, हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि कांग्रेस पार्टी को छोड़ना मत, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि कांग्रेस पार्टी को वोट कभी देना मत, आपकी गुलामी का कारण कांग्रेस है, आरएसएस की मां कांग्रेस है, आरएसएस को जन्म देने वाली कांग्रेस है राजस्थान में। अरे बोलने की हिम्मत तो की मैंने, है कोई माइका लाल बोलता है? मैं तो एक बात कह देता हूं साफ, जो किलकी मारते फिरते थे ना जितेंद्र मेघवाल की हत्या पर, सुराड़ा गांव जालोर में इंद्र मेघवाल की हत्या हुई मटकी को छूने के लिए को लेकर के, तो दलित अधिकारों के लिए न्याय की मांग के लिए जो किलकी मारते फिरते थे ना, वो कांग्रेस की टिकट मांगते हुए भिखारी बढ़ते हुए, मैं दिखा दूंगा इलेक्शन सर पे, देख लेना अगर मैं सच कह रहा हूं तो।
इलेक्शन सर के ऊपर है, देख लेना किलकी मारते हुए नजर आ रहे थे ना, जो हमें न्याय दो, हमें न्याय दो, जितेंद्र मेघवाल को न्याय दो, इंद्र मेघवाल को न्याय दो, वे भिखारी बन के कांग्रेस की टिकट मांगते हुए नजर आएंगे। यानी कि इस्तेमाल किया जा रहा है दलितों को, खुलेआम इस्तेमाल किया जा रहा है। अरे हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन, बोलना तो पड़ेगा। फिर ये कहेंगे सतपाल तंवर की भाषा अमर्यादित है, सतपाल तंवर ने सभ्य शब्दों में नहीं बोला, और क्या पूजा करूं अगरबत्ती लेके अशोक गहलोत की, पूजा पाठ करूं क्या मैं उसकी? अगर बहुजन समाज पर राजस्थान में जुल्म हो रहे हैं, जाति के नाम पर अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के रेप हो रहे हैं, तो उसका कारण एकमात्र अशोक गहलोत है, और वो राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, जो दिल्ली में बैठ के कठपुतली की तरह अशोक गहलोत को नचाने का काम कर रहे हैं। ये है जिम्मेदार, बोलने की हिम्मत करो ना, हमने बोलने की हिम्मत की है। और ये कहते हैं भाषा अमर्यादित है, भाषा है अमर्यादित है। अरे मैं उनसे तो अच्छा हूं जो अपने घर पे बैठ करके तथा कथित बुद्धिजीवी ज्ञानवर्धक कैप्सूलों की तरह ज्ञान बांटने का काम करते हैं, घर से बाहर निकलेंगे नहीं, ज्ञान देंगे। तुम नहीं पढ़ लिया संविधान सबसे बड़ा, संविधान की दुहाई देंगे संविधान से चलो। अरे मूर्खों, संविधान गलत हाथों में है ये बात मत भूलो। और राजस्थान के अंदर मिनिस्ट्री से लेकर के अदालत तक न्याय जो है ना चौखटों पे कराता है, चौखटों पे। और जयपुर से चलती है एक समझौता एक्सप्रेस, उसको चलाता कौन है, हरी झंडी कौन देता है, श्रीमान अशोक गहलोत समझौता एक्सप्रेस को रवाना करते हैं। होता है क्या है पता है, जब दलितों के ऊपर अत्याचार होता है, शोषण होता है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है, तो जयपुर से अशोक गहलोत एक ट्रेन को रवाना करते हैं, रेलगाड़ी को। उस रेलगाड़ी का नाम होता है समझौता एक्सप्रेस। सच्चाई बता रहा हूं आपको, नोट करना, और जिनको सही बात लगे ना वो शेयर ठोंक देना, कहने की जरूरत ना पड़ेगी। मैं किसी के बाप से नहीं डरता, मैं किसी एफआईआर से नहीं डरता। 54 तो एफआईआर के तमगे पहले ही मेरे ऊपर टंगी फिरते हैं, और 55 भी होगी तो मैंने ये फर्क पड़ा है भाई, जेल की चकिया में थम रहो थरी सखिया में भी जी, और हम रहेंगे जेल की चकिया में मजे में, अपने ना कोई फर्क ना पड़ता। या जिंदगी ना बहुजन समाज के लिए कुर्बान कर दी, तय मतलब कर दी, और बेशक कोई किम्मे भी बोलो, मारा फर्क कोन्या पड़ता, क्योंकि हम सच्चे दिल से बाबा साहब अंबेडकर जी की मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और क्या करते हैं, एक बात कहूं, तुम करो गुलामी कांग्रेस में, तुम करो गुलामी कांग्रेस में, हम भीम सेना में राज करें। अरे तुम करो गुलामी कांग्रेस में, हम भीम सेना में राज करें। है जवाब, कुछ जवाब है, तुम करो गुलामी कांग्रेस में, हम भीम सेना में राज करें। तुम करो गुलामी कांग्रेस में, हम भीम सेना में राज करें। अर्थम तो तड़वे चाट के बैठे हो, हम सरेआम रे सिर पे जूता कांड करें। भाई मेरा बयान तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, ये फैक्ट है, कोई ओरिजिनल सोर्स नहीं है बयान का, मेरा बयान तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है और कोई सोर्स नहीं है। ये जो वीडियो वगैरह वायरल की जा रही है ना, ये पूरी तरह से एडिटेड वीडियो है, किसी बीजेपी के कांग्रेस के दुश्मनों ने इन वीडियो को एडिट किया है ताकि मुझे कानून के पचड़े में फंसा करके राजस्थान में जाने पे मेरे पर रोक लगाई जा सके। और सबसे बड़ी साजिश के जो सूत्रधार है वो है श्रीमान अशोक गहलोत जी, जो बीजेपी के और कांग्रेस के हाथों में खेलने का काम कर रहे हैं। ये मैं बिल्कुल क्लियर स्पष्टीकरण इस पर दे देता हूं। तो ये बीजेपी वालों ने मेरे खिलाफ मोर्चा खोल करके एफआईआर दर्ज कराई है, और कांग्रेस सरकार ने मेरे खिलाफ बाड़मेर के सिवाना थाने में एफआईआर दर्ज कर ली है। अब आप ये बताएं कि कांग्रेस में और बीजेपी में क्या फर्क है, मुझे तो कोई फर्क ही नहीं लगा, बीजेपी भी वही और कांग्रेस भी वही। तुम करो गुलामी कांग्रेस में, हम भीम सेना में राज करें, और तुम तलवे चाट के बैठे हो और हम सरेआम सिर पर जूता कांड करें। भाई साहब मैंने कोई कांड को नहीं करा, तोड़ मोड़ और मरोड़ के वीडियो पेश करी गई है,
और मैं कोई सावरकर थोड़ी ना हूं जो माफी मांग लूंगा। अपने बहुजन समाज के लिए लड़ता हूं, लड़ता रहूंगा। अपनी माताओं बहनों के महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ता हूं, लड़ता रहूंगा। अरे बाहर सही तो बाहर सही, जेल में सही तो जेल में सही। और जेल में जब तक चढ़ा रहेगा, आना जाना लगा रहेगा। अब भयम कोई कटी पतंग तो है नहीं, आसमान में बैठे हैं, धरती पे भी भ्रमण कर लेते हैं। और घूम फिर का अशोक गहलोत जी अगर FIR दर्ज करवा दें और राजस्थान में मेरे घुसने पर रोक लगवाने की कोशिश करें, तो अशोक गहलोत जी बहम में मत रहो। हमने जो बहम पाड़े हैं ना, हमने वो बहम लिकाड़ लिकाड़ के फेंक दिए। समझ में आएगी बात है या और समझाओ है? पर यो बहुजन समाज है ना, जो समझदार है भाई, वो अपनी गैल है। गैल होंगे भी क्यों ना, अरे सच कहने की हिम्मत तो होनी चाहिए ना। और सबको पता है जब बाबा साहब अंबेडकर जी ने, सावकाशी राम जी ने खुल के कहा है, अरे कांग्रेस तो चोर है, कांग्रेस तो लुटेरी है, कांग्रेस तो RSS की मां है, तो मैं RSS की गुलामी क्यों करूं? अरे मैं कांग्रेस की गुलामी क्यों करूं? किसी ने अपने बालक पढ़ाने हो कांग्रेस के विधायकों के गल साठ गांठ करके तो पढ़ा उन्हें, मैं मना थोड़ी ना करूं। अरे किसी ने अपने काम काट दे हो पानी मार के, तो मारो ना पानी, मैं कोई मना करूं? लेकिन सच तो सच है, राजस्थान में हो रहा है शोषण और इस अत्याचार के पीछे कांग्रेस का हाथ है, खुलेआम बोलता हूं। और मैंने कह दिया कांग्रेस को इटली भेजेंगे, राहुल गांधी को इटली भेजेंगे, प्रियंका गांधी को इटली भेजेंगे, तो कौन सा गलत हो गया भाई? मैंने तो कुछ और नहीं बोला भाई, बोलने वाले कुछ भी बोलते रहो, तोड़ मरोड़ के बयान पेश कर दिया। अब जूता कांड तो मैंने करा नहीं, अपने आप हो गया या कुछ तथा कथित लोगों ने उस वीडियो को तोड़ मरोड़ के और उसमें एडिटिंग करके और बहुत अच्छी डबिंग की है मेरी आवाज की, और अगर डबिंग कर दी तो मैं कोई कसूरवार थोड़ी ना हूं। ठीक उसी तरिया जब सपना चौधरी नामक डांसर ने जब गाड़ी दी थी सरेआम स्टेज पे अनुसूचित जाति जनजाति को, मैंने SC ST एक्ट में FIR दर्ज करवा दी थी। इब सपना चौधरी ने चूहे मारने की दवा खा ली और मरण का ढोंग कर लिया, तो भाई मेरा की कसूर ये बताओ? और सबसे बड़ा सवाल, छोड़ो यार मजाक की बातों को, सबसे बढ़िया बड़ा सवाल मैं करूंगा, जितेंद्र मेघवाल को न्याय मिल गया क्या? इंद्र मेघवाल को न्याय मिल गया क्या? नहीं मिला ना। ओम प्रकाश रेगर को न्याय मिल गया क्या? थानागाजी अलवर रेप कांड में न्याय हो गया क्या? और ये तो आज की केस है, पुराने केस उठा के देख लो, हो गया न्याय। भंवरी देवी याद है, भंवरी देवी फिल्में भी बनी है भंवरी देवी पे, न्याय मिल गया क्या? है सवाल, है जवाब? नहीं होगा, न्याय मिल गया। और भी कई सारे केसेस हैं, पालोट का केस है, और भी बहुत सारे केसेस हैं, हो गया न्याय बताइयो। और अगर आज हम बोल गए कांग्रेस ही गुनहगार है, गंगाधरी शक्तिमान है, एका मतलब आम आदमी पार्टी भी उस चक्कर में लगी पड़ी है, वैसे अरविंद केजरीवाल वाली, एका मतलब आम आदमी पार्टी, बी का मतलब बीजेपी, सी का मतलब कांग्रेस, ABC ये है RSS की ABC है ना, सही कह रहा हूं ना, गलत तो नहीं कह रहा? फिर बताओ भाषा मर्यादित करूं, करूं भाषा मर्यादित, भाषा मर्यादित कर दे।